तो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस मैं आपको अपना विलेज दिखाता हूँ जो कि बाढ़ आया हुआ इधर, और ये देखिए देख रहे आप, गांव डूबने वाला है। अगर आज बारिश हो गई तो एक दिन और बारिश हो गई तो गांव पूरा डूब जाएगा। और मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, सुबह सुबह जब मैं उधर की साइड गया था जहां पे नदी है, नदी में इतना तेज प्रेशर था पानी का जिससे ये हाल हुआ है खेतों का। और यही नहीं, एक ही जगह नहीं और भी बहुत जगह ऐसे हुआ है जो मैं भी आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। और मैं बाढ़ देखने ही जा रहा हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहे लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक चीज और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, कितना ज्यादा पानी भरा पड़ा पूरे गांव में। आप देख सकते जैसे कि बाढ़ आ रखी है पूरी, ये देखिए लोग बाढ़ देख रहे हैं। ये देखिए गाइस पूरा गांव कैसे, गांव तो नहीं है खेत है, गांव अंदर है, अंदर की साइड है। तो गांव में तो अभी बाढ़ नहीं आया है और ये देख रहे हो जैसे कि आप पूरा खेत वगैरह सब डूब चुके हैं। और गांव अभी आपको दिखाता हूँ मैं, गांव इधर की साइड है अभी। और ये अपने सारे किसान भाई है भाई, कहाँ से जाऊंगा वे गाइस, मैं इसके अंदर घुसने वाला हूँ। ये देखिए चप्पल निकाल ली मैंने, वही गहरा है क्या ज्यादा, पैंट समेटना पड़ेगा। एक मिनट गाइस रुक जाओ, पहले पैंट समेटने दो। तो गाइस देखिए पूरा पानी कैसे भरा पड़ा है और मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, घुस चुका हूँ। और ये देखिए दो बंदे कैसे जा रहे इसको हेल के, यहाँ पे हेल के बोलते हैं, मैं भी मैथिली में बोल रहा हूँ। और गाइस मैं ये रहा हेले तैर तैर के आ रहा हूँ मैं भी, और आगे आपको लेके जाता हूँ, इससे भी ज्यादा पानी है। और ऐसा लग रहा है मेरे को मैं अभी यहाँ गिर जाऊंगा। और ब्लॉग में बने रहे, बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर रहे। वही देख रहा हूँ मैं भी, अभी बच गया गाइस। ओए ओए बाबे भाई, गहरा ये तो, एक सेकंड रुक जाओ, आराम से जाना आराम से गाइस, बहुत ज़्यादा गहरा था इधर गाइस। मुझे कहा गया कि चप्पल हाथ में रखना है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा। और आप देख रहे हो जैसे कि पूरा गांव भरा पड़ा है पानी से। ये तो खेती बाड़ी जहाँ लोग करते हैं वहाँ पे हम अभी, और अगर आज बारिश होती है तो कल मैं आपको ज़रूर डूब जाएगा। और गाइस मैं यहाँ पर मतलब गाँव में मैं इसीलिए आया हूँ कि ये बाढ़ का टाइम है, और बाढ़ के टाइम में बहुत मज़ा आता है मेरे को। मैंने देखा नहीं आज तक, पहली बार मैंने बाढ़ देखा। और आगे देखिए कितना पानी है, चलते हैं आगे, तो पहले ये पार करते हैं हम। और गाइस अभी तक मैं तैर ही रहा हूँ यहाँ पे, तैरना मतलब इसको बोलते हैं लांगना, गांव में बोलते हैं, अपना मैथिली में बोलते हैं हेली हेली, हेले चलो, है ना भाई मैथिली में हेलते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं पानी को जब काटते हैं। गिर ना जाओ भाई, फ़ोन भी चला जाएगा वही गाइस, वाटर प्रूफ फ़ोन भी नहीं है, गिरा तो गया। और इसको देखो अभी वो देखता है या नहीं देखता, क्या चीज़ आज सब देखते हैं। अभी देख तू आएगा पूरा ब्लॉग में, कल्लू देख विक्की, तू भी देख लियो और सबको दिखा दियो, और और बच गया भी गड्ढे रहने दे ब्लॉग। तो गाइस देख लो जैसे कि सारे अपने तरीके मतलब आ रहे पानी को काट के चल चल के, और आगे की साइड में लेके जाऊँ आपको तो देख सकते हो आप पूरा भर चुका है पानी से। अगर मैं उधर की साइड जहाँ पे आप देख रहे हो, उधर की साइड जहाँ पूरा जंगल जंगल सा है, उधर की साइड अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो उधर भी बहुत पानी है। और एक चीज और, किनको देखिए पानी में, सांस फूल रही मेरी, इसलिए फूल रही क्योंकि आज पूरे दिन भर चला हूँ मैं, और जब से बाढ़ आया जब से मैं घूम घूम के हर जगह जा रहा हूँ, मज़े लेकर आया हूँ, नहाकर भी आया हूँ मैं बाढ़ में, जिस वजह से मुझे इन्फेक्शन भी हो गया। तो ये चीज़ बेकार था, इन्फेक्शन तो नहीं होना था। आ जा जल्दी आ जल्दी आ, गाइस देख रहे हो पूरा भरा पड़ा है। और इसको देखिए आ रहा है,
और आप चलते ऊपर। वीडियो साफ नहीं बन रही अभी, एंड्रॉइड फोन है। ये देखिए पूरा पानी भरा पड़ा हर जगह। गाइस मेरा गांव जो कि नेपाल में पड़ता है ना कि बिहार। रुक जा, चुप रहे। और गाइस मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जंगलों की साइड, जहाँ पे क्या वो कुछ भी मिल सकता है ना, नडिया फड़िया, नडिया बोलते हैं यहाँ पे भेड़ियों को, और भूत वूत भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, देख लेंगे। हम भी आज तक देखा नहीं है, गांव के लोग ही देखते हैं यहाँ पे भूत। साले मिलेगा तेरे को रात में उपेंद्र, मिलना चाहिए, मिल जाए एक बार, मुलाकात भी हो जाए, पर अकेले में ना हो। अकेले में होगा तो मैं खुद डर के भाग जाऊँगा, मर जाऊँगा भाई। तो ये देखिए पूरा जंगल है, देख रहे हो वहाँ भी बोल दिया। देखो गायें चढ़ रही है, कुछ बंदे हैं बुजुर्ग यहाँ के, दादा उदा बाबा ये बोल सकते, कुछ भी बोल दो। आम के पेड़ इतने सारे, और इधर पे एक झुग्गी भी दिखाऊंगा मैं आपको, इतने से इतने बड़े जंगल में झुग्गी भी है। तो चलते हैं आगे गाइस। अगर आज बारिश आता है तो पूरा गांव गांव के साथ ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सब पूरा डूब जाता है और पानी गांव में पूरा भर जाता है। हाँ आप नया चैनल बनाया अभी तो गाइस, ये देखिए यहाँ पे जंगल में भी भट्टी लग रहा है, मेरा घर तो नहीं है, भट्टी उट्टी होगा गाइस, यहाँ पे दारू वारू पीते होंगे लोग आके यार रात में। अच्छा ये खेती के लिए बंदे खेती उती करके आते होंगे तो थक जाते होंगे तो यहाँ पे आके सोते हैं। और ये किसका भगवान है, क्या चीज है, सारा भगवान का था। और ये देखिए पूरा बाढ़ पानी कैसे चल रहा है नदियों का, अभी तो कम हो गया, सुबह के टाइम मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं तो सुबह के टाइम दिखाता ना, वह सही था सुबह के टाइम का ब्लॉग दिखाना था गाइस, मेरे को बनाना था आपके लिए, गलती हो गई मुझसे, पर है थोड़े बहुत मैंने वीडियो बना रखे, उसको एडिट करके मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। क्या देख रहा है, आपको एक लड़के से मिलाता हूँ जो कि वो भैंस के ऊपर, और ये बंदा बैठा हुआ इसके ऊपर, भड़कती तो नहीं है ना भाई, तो रहने दे भाई, काट लेगी, काट लेगी क्या, मार देगी। तो अंकल आप कुछ कहना चाहोगे इसमें, जो कहेगा बंदा, बाढ़ के बारे में, कब कब बाढ़ आता है, बाढ़ को तो कोई गारंटी नहीं। अच्छा रात भी आएगा, फिर भी 11 बजे रात आए थे, आज भी आएगा, बारिश पकड़ लिया पहाड़। अच्छा धान कुछ जाएगा, जो किसान रोप लिया ना आधा से हमारा जाएगा, गल जाएगा धान। हर साल आता है मतलब यहाँ पे बाढ़ नहीं? हाँ बाढ़ तो हर साल, गांव भी डूब जाता है, ये छरकी टूटता है ना चल कर, तब गांव में डूब जाता है पानी। अच्छा पूरा गांव डूब जाता है? हाँ घर घर पानी चला जाता है। अच्छा तो बीच गांव में हल्का जाता है रोड पर, लेकिन साइड साइड सबको भागने पड़ता है गाँव में, मतलब की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है। हाँ बहुत, माल जाल काम धंधा बंद, खेती बाड़ी सब खराब खराब, फिर जनता को खाना भी, किसी को जरना है तो किसी को चावल नहीं है, सही बात है, किसी को चावल है तो आटा नहीं है। तो गाइस गांव में दिक्कतें होती रहती हैं, तो इनकी दिक्कतों के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इनकी मदद कर सकता हूं। तो आप मुझे सपोर्ट करें, हो सके तो मुझे जल्द से जल्द सपोर्ट करें कि गांव के लोगों की जो बाढ़ की समस्या होती है उन्हें मैं फेस करूं और इनकी मदद करूं। हां तो गांव को दाता होगा, सेवा करने वाला तब ना करेगा। सही बात है, हम लोग तो कहते हैं दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से, कोई दाता गरीब को कुछ दे दो, जिएगा धरती पर। गरीब भी बहुत है गाइस, गरीबी आप हमने खुद देखी, गरीबी हम खुद गरीब हैं, और हम तो बस शहरों में रहते हैं, हम गांव में अगर आप देखो तो गांव में मतलब घर भी नहीं बना रखा हमने, और यही हम मैं भी इसी गांव का मरे गांव का ही हूँ। तो नाम बुढ़ा को कहेगा तो पहचाने, तो इन शख्स की आप मदद करिए, और मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो करना ही पड़ेगा, आपको हम मदद करेगा आप हमको करेगा, तुम चलता है एक जगह रहेगा। सही बात है, तो कुछ करिए आप लोगों को हाथ में जो कुछ मदद। तो गाइस अब हम छरकी से छरकी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे नदी वगैरह है, तो यहाँ पे मैं ध्यान भी रखना है कि नीचे में सांप पे पैर ना पड़ जाए, क्योंकि गांव है तो गांव में सांप तो होंगे ही,
तो सांपों से हमें बच के जाना है घर, और हमें वापस दिल्ली भी जाना है, गांव में नहीं रहना हमें। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के पास जहाँ पे बाढ़ आई थी, आपको वहाँ का हाल दिखाता हूँ इस टाइम क्या है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहे। तो जैसा कि गाइज मैंने आप सबको कहा था कि मैं वीडियो एक ज़रूर एडिट करूँगा सुबह के टाइम का, जो कि सुबह पूरा पानी भर चुका था, हर जगह गांव तक में पानी घुस गया था, यहाँ तक कि मेरे खेत में खुद पानी पूरा भर गया है, और इससे नुकसान किसानों का हुआ है और कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जिनके दूर है उनका फ़ायदा हुआ है, जिनका पास में था उनका हर चीज़ इस बाढ़ के साथ ही बह गया। और आप इन लोगों की, गांव के लोगों की मुश्किल आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से इनको सामना करना पड़ता है। और इनके लिए एक बार दो बार की बात नहीं है, इनको हर साल इस बाढ़ से इनको लड़ना पड़ता है, और ये लड़ भी रहे हैं अच्छे तरीके से। अपना इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, अब इन्होंने बाढ़ से कैसे लड़ना है क्या करना है, तो आप खुद ही देख लीजिए ब्लॉग में कि कैसे बाढ़ आया, कितने ख़तरनाक बाढ़ आई। ऐसा बाढ़ आता है कि पुल वगैरह सब तोड़ दे के गांव में भी घुस जाता है। तो आप देखिए बाइक वाले को कैसे वो पार करता है इस बाइक को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। और गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कि ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं बाढ़ से, जिनके घर ढह जाते हैं और बेघर हो जाते हैं, और यहाँ की सरकार को भी पता चले।